गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? खूब बढ़िया। और पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? तो आई होप कि आप लोग खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग उसी चैप्टर में जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, समतल में गति, तो उस चैप्टर को आगे प्रोसीड करने वाले हैं। उस चैप्टर में आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, जैसे हमने कुछ सदिश से संबंधित नियम पढ़े थे, जैसे समांतर चतुर्भुज का नियम, त्रिभुज का नियम, उनका गणितीय विधि, उनकी ग्राफीय विधि, एकांक सदिश, और ऐसे करके कुछ हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सदिश राशियों के सदिश गुणनफल का। अगर हमको घटक वियोजन के रूप में, घटकों के रूप में उनका वियोजन करना हो, और सदिश राशियों का अदिश गुणनफल भी घटकों के रूप में करना था, तो इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा, तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में मदद मिलेगी हमको। तो इसलिए उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो बेसिक न्यूमेरिकल में पहला, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कण त्रिविमीय क्षेत्र में गतिमान है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप चाहें तो नोट भी करते रहें। तो अगर आप नोट कर रहे हैं, बोर्ड पे हम नोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन नोट कर देंगे। तो कोई कण त्रिविमीय क्षेत्र में गतिमान है, यदि उस कण पर 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप न्यूटन। न्यूटन दिया है, इसका मतलब ये क्या दिया है बेटा, बल दिया है। कितना? 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप, इतना न्यूटन का इन्होंने बल लगाया है। फिर कह रहे हैं कि बल लगाकर कण को -i + 2j - 3k मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। तो विस्थापन आप s लिख सकते हैं, कितना विस्थापित कर दिया गया है, -i + 2j और -3k कैप, इतना मीटर विस्थापित कर दिया जाता है। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ए पार्ट पूछा है बलाघूर्ण, तो टॉ से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और इसी में पूछा है कार्य की गणना, तो इसका मतलब डब्ल्यू पूछा है। तो दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इजी क्या है, कार्य निकालना। तो हम लोग पहले कार्य निकालते हैं। तो अगर कार्य निकाल लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कार्य निकालते हैं। अब एक बात देखिएगा बेटा, बलाघूर्ण सदिश राशि है और कार्य अदिश राशि है। तो अगर कार्य अदिश राशि है तो दो सदिश राशियों का गुणा करने पर कार्य परिणामी राशि अदिश आती है, तो इसे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल कहते हैं। तो ऐसा आप सोचिए कि ये घटकों के रूप में दिया है। तो अगर बी पार्ट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, कार्य बराबर F.S, बल गुणा विस्थापन, तो बल कितना दिया है बेटा, 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप, इतना बल हो गया। डॉट एस के लिए दिया हुआ -i कैप + 2j कैप - 3k कैप, तो F.S निकालना है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, आई वाले का कंपोनेंट है वो आई वाले, यहां कुछ नहीं लिखा तो एक मान लीजिए तो उससे गुणा कर दीजिए, तो इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि i.i1 हो जाएगा। ऐसे -3 + 2 इनका गुणा कर दीजिए तो -6 हो जाएगा, और 4 और -3 का गुणा कर दीजिए तो -12 हो जाएगा। अब 12 6 18 2 20, तो -20 जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, तो 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो ये कितना सिंपल लगा आपने देखा कि तुरंत हमने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत इजी है। अगर इसको पूरा गुणा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आई वाले का आई वाले से कर लीजिए, जे वाले के जे वाले से कर लीजिए, और के वाले कंपोनेंट का के वाले कंपोनेंट से कर लीजिए, आंसर आ जाता है। ऐसे ही ए पार्ट देखिए, उन्होंने पूछा है बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण बराबर क्या होता है बेटा, R×F, तो R का मतलब स्थिति सदिश, तो ये S भी कह सकते हैं और R भी कह सकते हैं, ये स्थिति सदिश दिया हुआ है बेटा, और F तो तुम्हें पता ही है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है आपको पता होगा, डिटर्मिनेंट बनाते हैं और i, j, k लिखते हैं। और यहां सबसे ज्यादा सावधानी किस बात की बरतनी है कि पहले क्या लिखा है, R या F, तो अगर पहले R लिखा है तो R का मान लिखिए, I के साथ क्या लिखा है बेटा, I के साथ बोलो क्या लिखा है, -1,
और जे के साथ क्या लिखा है प्लस टू और के साथ क्या लिखा है माइनस थ्री, तो ये तो ऐसा हो गया। फिर एफ का मान लिख दीजिए, एफ में आई के साथ क्या लिखा हुआ है टू, ये आपने टू लिख दिया और जे के साथ क्या लिखा है माइनस थ्री और के साथ क्या लिखा हुआ है प्लस फोर, क्या लिखा हुआ है बेटा फोर, ऐसा। अब इसको अगर आपने कर लिया तो सॉल्व करना काफी इजी है। देखिएगा पहले सबसे क्या करते थे याद करो, आई लिख दीजिए प्लस आई और ब्रैकेट बना दीजिए, अब ऐसे कर लीजिए इनको ढक लीजिए। अब देखिए ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो दो से चार का गुणा करिए आठ आ गया, माइनस फॉर्मूले का लगाइए और माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस और तीन का तीन से गुणा होगा नौ, तो ये हो गया नौ। अब ये प्लस आई था तो माइनस जे लिखिए, फिर से डब्बा बनाइए, अब जे वाली लाइन ढक लीजिए बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो क्या बचेगा माइनस वन इंटू फोर, तो माइनस फोर, माइनस फॉर्मूले का है टू इंटू थ्री तो माइनस सिक्स, ये आ जाएगा। अब फिर प्लस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस है। अब के वाली लाइन ढक लीजिए और ये वाली लाइन ढक लीजिए, बचा क्या ऊपर से नीचे माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा वन इंटू थ्री थ्री, माइनस सूत्र का टू टू जा फोर, ये हो गया बेटा। अब सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना है, तो आठ में से नौ गया माइनस एक तो माइनस आई कैप आ जाएगा। फिर यहां देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस सिक्स, प्लस सिक्स माइनस फोर तो माइनस टू, ओ सॉरी प्लस टू और प्लस टू का आई से गुणा होगा तो माइनस आई से होगा तो माइनस टू जे कैप, सॉरी जे से गुणा होगा। फिर से देख लीजिएगा ये प्लस सिक्स माइनस फोर तो प्लस टू और माइनस जे से गुणा होगा तो माइनस टू जे। अब ऐसे ही माइनस वन आएगा यहां पे, माइनस वन का के से गुणा होगा तो माइनस के कैप, तो ये फिर वही न्यूटन मीटर, बलाघूर्ण का मात्रक क्या होगा बेटा न्यूटन मीटर, तो ये बलाघूर्ण का आंसर है बेटा। इसको एक क्वेश्चन हमने दिया है, आप इसको सॉल्व करिए खुद से और कोशिश करें कि इसको आप खुद से कर ले जाएं। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप उसको ट्राई करिएगा और तुरंत ही खुद से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा अगर आपने नोट नहीं किया हो, और खुद से कोशिश करें कि देख देख के ना करें, खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करें, वीडियो पॉज करें। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर पैटर्न नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई सदिश माइनस थ्री आई प्लस फोर के मीटर पर सेकंड के वेग से, तो वेग कितना दिया है माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड से पता चला कि ये वेग होगा, और दिया भी है कि यदि कोई सदिश माइनस थ्री जे प्लस फोर के मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान है तथा उस पर लगने वाले बल का मान, बल का मान है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थ्री के कैप न्यूटन, इतना बल लग रहा है जिसके फलस्वरूप कण में फोर के मीटर का विस्थापन होता है। विस्थापन को किससे प्रदर्शित करोगे बेटा, एस से, फोर के कैप मीटर का विस्थापन होता है। तो निम्न की गणना कीजिए, ए पार्ट है शक्ति पावर और बी पार्ट है बलाघूर्ण टॉर्क। अब पी इक्वल्स होता है अदिश रूप में, पी इक्वल्स होता है एफ वी, कैसे आता है बेटा एक बार देख लीजिए, फर्स्ट ए पार्ट पी इक्वल्स क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
अब कार्य बराबर आपने अभी अभी सीखा है एफ डॉट एस अपॉन टी, तो इसको अगर देखें तो ये विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा, वेग। तो पी इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, एफ डॉट वी। तो आपको एफ भी पता है और वी भी पता है, तो आप इससे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एफ कितना है बेटा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये है एफ। डॉट वी कितना है, -3j कैप प्लस 4k कैप, ये है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आई वाले का आई वाले से करते हैं, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, तो यहां तो आई है ही नहीं, इसका मतलब आई नहीं होने का मतलब क्या है, जीरो आई तो मान सकते हैं ना बेटा, तो जीरो आई और तीन आई, तो जीरो का तीन से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, जीरो। अब जे वाले का जे वाले से करिए, तो चार का तीन से गुणा करेंगे तो -12, और फिर तीन का चार से करेंगे तो +12। अब ये टोटल पावर कितनी हो गई बेटा, जीरो। पावर कितनी हो गई, जीरो। ओके, अब इसके बाद देख लीजिएगा, आपसे नेक्स्ट पार्ट पूछा है बी, बलाघूर्ण ट बराबर आर क्रॉस एफ। आर इसको कह सकते हो, ये एस कह लो या आर कह लो विस्थापन सदिश को, तो आर क्रॉस एफ। तो पहले यहां लिखो आई कैप, जे कैप, के कैप, सदिश वाले, जो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल है वो डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं तो हम जानते ही हैं। तो देखो बेटा, आर पहले आर लिखा हुआ है, आर में देखिए कितना है के, तो के के आगे तो चार मिल गया, लेकिन आई और जे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जीरो है। फिर एफ, एफ का वैल्यू लिखिए भैया, 3 4 3 3 4 3, ये है। अब उसके बाद फिर से इसको सॉल्व करना है तो वही तरीका, आई लिखिए, डब्बा बना लीजिए, अब ब्रैकेट बना लीजिए, मतलब इनको ढकिए, तो जीरो का तीन से गुणा होगा जीरो, माइनस फॉर्मूले का 16। अब ये प्लस आई माइनस जे, अब माइनस जे, जे वाली लाइन ढक लीजिए, ऊपर से नीचे जीरो माइनस फॉर्मूले का 12। अब प्लस के लिख दीजिए, के वाली लाइन ढक लीजिए, ये वाली लाइन ढक लीजिए, ऊपर से नीचे जीरो माइनस नीचे से ऊपर भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -16i कैप, और माइनस माइनस +12j कैप, और प्लस के कैप तो होगा ही नहीं, जीरो के कैप तो जीरो हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर, ये आंसर आ गया। इसको देखिएगा आप एक बार वीडियो पॉज करके कि आपको समझ में आ गया क्या। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसको आप चेक कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि आप खुद से इसको कर पाते हैं। अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि जो डिटर्मिनेंट मेथड आपने सीखा था वो आपको आ गया है, और जो डॉट प्रोडक्ट करना था वो भी आपको आ गया है। अब इससे रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम लोग और सीखते हैं इस चैप्टर में, जिससे कि हमको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन, बेसिक बेसिक जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा, कह रहा है एक कण पर पांच न्यूटन तथा 12 न्यूटन बल परस्पर लंबवत दिशा में कार्यरत है। एक कण है, इस पर 12 न्यूटन का तथा 5 न्यूटन का परस्पर कार्यरत है। परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए, परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो बेटा परिणामी बल निकालने का तरीका होता है R बराबर दिए गए सदिश का परिणामी का परिमाण बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है बेटा। यहां ए बराबर कुछ मान लीजिए 5 और बी बराबर कुछ मान लीजिए 12। तो अब मान रख दीजिए बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस, दोनों के बीच का थीटा कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई बेटा, तो ये आ गया 25 प्लस 12 बराबर 144 प्लस 0, क्योंकि कॉस 90 0 तो ये पूरा 0 हो गया, तो 169 आ गया, 169 का आंसर आ गया 13। तो ये 13 न्यूटन इसका परिणामी होगा, 13 न्यूटन क्या होगा बेटा, परिणामी। तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है या दो, ये देख लीजिए, परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है और दिशा भी ज्ञात करनी है बेटा। दिशा ज्ञात करने का तरीका है टैन थीटा निकाल लीजिए, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, अगर ये त्रिभुज बना लीजिए, इसको एक त्रिभुज का निर्माण कर लीजिए इस 12 न्यूटन और 5 न्यूटन से, तो 12 न्यूटन ऐसे ही रहने दीजिए और 5 न्यूटन ऐसे ले लीजिए, तो अगर ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में ये डिपेंड करता है कि आप इसको ले रहे हैं ऐसे या ऐसे, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये थीटा मान रहे हैं कि ये थीटा मान रहे हैं, तो हमने ये थीटा माना है बेटा। इन दोनों का परिणामी तो इधर आ जाएगा, ये इनके बीचों बीच से होकर जाएगा परिणामी, तो परिणामी का परिमाण और इसकी दिशा ज्ञात कर लीजिए, तो ये थीटा मान लीजिए, तो ये 12 है तो ये 12 आ जाएगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो 12/5, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 12/5। तो ये इनके बीच का कोण भी आप ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, ये ध्यान दीजिएगा, परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करने का ये तरीका, ये दिशा ही है बेटा, जो थीटा आ गया यहां से कितने कोण पर होगा तो ये दिशा को प्रदर्शित करेगा ना, तो दिशा जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप कोण निकाल दिया करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दो समान परिमाण के सदिश के मध्य का कोण क्या हो कि परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके बराबर हो जाए। अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है तो इनका परिमाण क्या हो कि जो परिणामी आर है वो भी इनके बराबर हो जाए। तो कुछ एक्स मान लीजिए ये तीनों, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, दो समान परिमाण के सदिशों, समान परिमाण है का मतलब ए वेक्टर का जो परिमाण है वो बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है। दो समान परिमाण के सदिशों के मध्य का कोण क्या हो कि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो, परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएं तो थीटा क्या होगा ये पूछा है। तो बस वही फॉर्मूला, अगर जिस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो फॉर्मूले में रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये थीटा ही पूछा है बेटा। तो अब सबकी जगह एक्स रखना शुरू कर दो, तो एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू कॉस थीटा। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रूट हट जाएगा बेटा, टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस एक्स कॉस थीटा, 1 प्लस क्या बचेगा कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर इसको बटे में ले आइए तो 1/2 हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 -1, तो -1/2 कॉस थीटा बराबर -1/2। तो ये अभी आगे सीखेंगे बेटा, अभी चैप्टर को हम आगे जब पढ़ाएंगे तो ये कॉस का आपको मान बताएंगे कि कितना होता है, तो कॉस 60 का होता है 1/2, तो सॉरी कॉस 30 का होता है 1/2 और कॉस 120 का होता है, कॉस थीटा बराबर कॉस 120 का होता है -1/2, कॉस 120 डिग्री।
अभी ये आपको सिखा देंगे कि cos 120 का कितना 1 माइनस 1 बटे 2 कैसे होता है, लेकिन अभी के लिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री, थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 120 डिग्री। तो इन लोगों के बीच का कोण अगर 120 डिग्री हो, ऐसे कह रहा है, जैसे ये परिणामी सदिश का परिमाण जो है, ये ए वेक्टर मान लीजिए तो ये बी वेक्टर है, तो ये परिणामी जो आर वेक्टर है, ये सॉरी अगर तीनों ए वेक्टर और बी वेक्टर और इन दोनों का परिणामी आर वेक्टर, इनके बीच में 120 120 120 डिग्री का कोण हो, 120 120 120 डिग्री का कोण हो, तो ये संतुलन में होंगे, मतलब इनका परिमाण आपस में बराबर होगा, तो इनके बीच का कोण 120 डिग्री होगा। तो ये आ गया बेटा। अब इसके बाद देखिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आप यहां से सीख लीजिए, फिर आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल एक कण पर कार्यरत हैं। एक कण पर बेटा कितने कितने न्यूटन का बल कार्यरत है? 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। अभी हमको नहीं पता, हमने ऐसे सीधे सीधे लगा दिया है। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल कार्यरत है, परिणामी बल का मान अधिकतम कब होगा? तो अधिकतम तब होगा बेटा जब दोनों बल समान दिशा में लगेंगे। तो F मैक्सिमम होगा तब जब ये मान लो F1 है और ये F2 है, तो F1 और F2 समान दिशा में लगेंगे तो बल का मान अधिकतम होगा। तो ये 4 + 3 तो अधिकतम बल आ जाएगा 7 न्यूटन। और क्या कह रहा है बेटा? न्यूनतम बल कितना होगा और किस दिशा में कार्यरत होगा? न्यूनतम बल कितना होगा? न्यूनतम बल के लिए हमेशा बल बराबर होने, मतलब सॉरी विपरीत दिशा में होने चाहिए। तो एक 4 न्यूटन इधर लगना चाहिए, तो 3 न्यूटन इधर लगना चाहिए। तो F नेट क्या हो, F मिनिमम क्या हो जाएगा? F1 माइनस F2। F1 है 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो ये 1 न्यूटन आ जाएगा न्यूनतम बल, और एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो बल न्यूनतम होगा बेटा। अब देख लीजिए कितना होगा जब परस्पर लंबवत कार्यरत होंगे। ये 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परस्पर लंबवत कार्यरत हो, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन परस्पर लंबवत कार्यरत हो, तो आर परिणामी का जो परिमाण होगा वो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 2 × 4 × 3 × cos 90। वही फॉर्मूला है बेटा। ये ए मान लो और ये बी मान लो, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। तो ये तो हो गया 0, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 + 9, तो ये आ गया √25, तो ये आ गया 5 न्यूटन। तो अगर परस्पर लंबवत कार्यरत होंगे तो इनका कितना मान आएगा परिणामी का? ये कुछ ये होगा 5 न्यूटन परिणामी है बेटा। ये आर, आर पता चल गया। अगर इसकी दिशा पूछे तो ये थीटा ज्ञात कर सकते हो, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब, इसको विस्थापित कर दीजिए, 4/3। तो थीटा टेन थीटा बराबर, अगर ये 4/3 है तो ये 10 53 डिग्री का मान होता है, तो थीटा बराबर 53 डिग्री आ गया बेटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इसमें दिशा बदल दिया जाए, मान लो कि इसको इधर रखा जाए, इसको इधर रखा जाए, देखिएगा अगर इसको 4 न्यूटन को इधर रखा जाए और 3 न्यूटन को इधर रखा जाए, तो आंसर में परिणामी तो उतना ही आएगा बेटा, जो R आएगा वो उतना ही आएगा 5 न्यूटन, लेकिन ये कोण का मान, दिशा का मान बदल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 3 न्यूटन को विस्थापित कर लीजिए, क्योंकि अपने कोर्स में क्या है, मुक्त सदिश, तो 3 न्यूटन यहां है तो 3 न्यूटन यहां भी रहेगा, तो 3/4। तो
इसको क्या लिख सकते हो, tan 37 डिग्री, tan थीटा बराबर tan 37 डिग्री, तो थीटा बराबर 37 डिग्री। तो ये अगर आपने चार न्यूटन को ऐसे लेके तीन न्यूटन को ऐसे लिया है तो थीटा 53 डिग्री आएगा, और अगर चार न्यूटन को ऐसे लेके तीन न्यूटन ऐसे लिया है तो थीटा 37 डिग्री आएगा। तो डिपेंड करता है आपने वेक्टर को किस तरह से अरेंज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये चित्र बना के आप ये आंसर देते हैं और ये चित्र बनाते हैं तो ये आंसर देना पड़ेगा आपको, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी इसमें इंफॉर्मेशन कोई भी गिवन नहीं थी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल अपने मन से ट्राई कर लेंगे तो आपको और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक क्वल्स दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक क्वल्स दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, इतना दिया हुआ है। ए का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करो, तो परिमाण ज्ञात करने का तरीका है इसका तुलना किससे कर लो, axi कैप प्लस ay j कैप। तो परिमाण निकालने का तरीका है अंडर रूट ax² + ay² + 2ax ay cos थीटा। अब ये आई और तो अगर इससे तुलना कर लेते हैं ax = axi कैप + ay j कैप, तो ax की वैल्यू कितनी है बेटा यहां से 3 और ay की वैल्यू कितनी है 4। तो फॉर्मूला क्या होता है परिणामी का, r√ax² + ay² + 2ax ay cos थीटा। वही अभी तक हम लोग a² + b² + 2ab cos थीटा पढ़ते थे, अभी ax और ay के फॉर्म में कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां एक खूबसूरत सा विषय यह है कि i और j कैप दिया है, i x दिशा में होता है और जे वाई दिशा में होता है, तो इनके बीच थीटा कितना है, ये कॉमन सेंस है 90 डिग्री है, तो ये वाला कॉस 90 के कारण ये जीरो हो जाता है, तो ये बचता कितना है बेटा ax² + ay²। तो अगर दो सदिश दिए हैं वो परस्पर लंबवत डिग्री पे लंबवत है मतलब 90 डिग्री पे हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, ये वाला टर्म यहां से यहां तक क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, इतना ये जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ax² + ay² तो इसको निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 16 9 25, तो 5 आ जाएगा परिणामी। तो आपसे पूछा है इन्होंने कि परिणामी का परिमाण ज्ञात करो और दिशा भी ज्ञात करो, तो दिशा के लिए फिर से वही है, ax 3 है तो ये 3i कैप लिख दू और ये 4j कैप, तो इसका मतलब इनका परिणामी तो इनके बीच से होकर गया, आपने निकाला ये 5 जो आपने निकाला है, तो अब इनका दिशा ज्ञात करने के लिए थीटा ज्ञात कर लीजिए, तो tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना है बेटा 4 और आधार कितना है 3, तो tan थीटा बराबर 4/3 का मतलब tan 53 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अगर परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी हो तो दिशा में कोण आ गया 53 डिग्री। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लीजिएगा एक छोटा सा और न्यूमेरिकल है, ये ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है, इस टाइप का भी काफी अच्छा न्यूमेरिकल मानते हैं, मतलब आपको मतलब अच्छे का मतलब है इस टाइप के न्यूमेरिकल आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर कराते हैं। तो जैसे कि वैसे तो आप एकांक सदिश के बारे में जानते हैं समझते हैं, लेकिन जब उसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इसका यूज क्या है, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक यदि सदिश a = 5i कैप + 3j कैप - 4k कैप ये है हो, तो
सदिश ए वेक्टर का परिमाण और इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। इसका परिमाण ज्ञात करना है, पहली बात ए का परिमाण ज्ञात करने का तरीका है अंडर रूट जो इसके कोफिशियंट है उनका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा 25 प्लस 9 प्लस 16 नौ 25 50, तो ये अंडर रूट 50 आ गया, तो ये आ गया 25 गुना 50, तो 5√2 आ जाएगा, ये परिमाण आ गया बेटा। अब इसकी दिशा में अगर परिमाण मिल गया है तो आपसे पूछ रहा है इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है दिया गया सदिश बटे दिए गए सदिश का परिमाण। तो एकांक सदिश ज्ञात ही करना है, तो दिया गया सदिश कितना है, दिया हुआ है बेटा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये तो दिया गया सदिश हो गया, बटे सदिश का परिमाण अभी अभी आपने निकाला है, तो ये 5√2, तो ये हो गया एक कैप, एकांक सदिश दिए गए सदिश का एकांक सदिश, तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल अभी आपने करा दिए हैं, अब इस टाइप के कुछ न्यूमेरिकल आप खुद से भी ट्राई करें, तो अगर आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। बाकी मैं कुछ न्यूमेरिकल नेक्स्ट टाइम पे फिर डिस्कस करूंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, तब तक के लिए खूब बढ़िया पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।